नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि यदि आपने 1 जुलाई तक बैंक से जुड़े नहीं किए ये काम तो उठाना पड़ेगा भारी जुर्माना। ज्यादा दोस्तों, 1 जुलाई से बैंक से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किया जा रहा है, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। इस दिन तक बुक ट्रेनों का टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा रेलवे। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। वहीं दोस्तों, लद्दाख में भारतीय सेना के अड्डी ग्रुप को देखते हुए चीन ने डोकलाम में वापस से तनाव को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है और भूटान को भी इस विवाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना की बात कम होगी प्रति व्यक्ति आय, SBI की रिपोर्ट में हुआ है ये खुलासा। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही बड़ा सर्वे सामने आ रहा है जिसमें सबसे ताकतवर नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को बताया गया है, तो आपको इस सर्वे के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कई बड़ी खबरें हैं जैसे कि सरकारी स्कीम स्टडी को लेकर भी अन्य कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट पढ़कर आपके वहाँ की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना के बाद कम होगी प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे ये राज्य, SBI रिपोर्ट। जब दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के बाद देश के विभिन्न राज्यों में लोगों की आय का अंतर कम हो जाएगा। इस दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना है। स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरेप में यह कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। इन राज्यों में इतनी घट सकती है प्रति व्यक्ति आय। जी दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे धनी माने जाने वाले शहरों की प्रति व्यक्ति आय में 10 से 12% तक गिरावट आने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, प्रति व्यक्ति आय में 8% से कम की गिरावट आने का अनुमान है। आपको बता दें कि SBI की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि COVID-19 महामारी के बाद भारत में लोगों की आय में असमानता के बीच का अंतर कम हो जाएगा। इसकी वजह यह होगी कि इस महामारी के दौरान धनी राज्यों की आय में गरीब राज्यों की आय के मुकाबले अधिक गिरावट आएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीनी कंपनियों को एक और बड़ा झटका, सरकारी खरीद में अब सिर्फ स्वदेशी को बढ़ावा। जी दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी खरीद के लिए मौजूदा ई कॉमर्स पोर्टल JEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर बिकने वाले प्रोडक्ट के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से चीनी कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी सभी सप्लायर्स के लिए उत्पादों के तैयार होने वाले देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही चीन का नाम लिए बगैर सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी खरीद में देसी प्रोडक्ट को तरजीह दी जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 90 दिन बाद फिर से शुरू कर सकेंगे विदेश यात्रा, भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के मिले संकेत। जी दोस्तों, देश भर में बीते 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी है। अब जून में आकर धीरे धीरे एयरपोर्ट पर यात्री भार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का ट्वीट इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यात्रा भार 50 से 60% पहुँचने पर इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जा सकती है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जो देश इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हामी भरेंगे उड़ानें वहीं से शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए समय सीमा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द शुरू हो सकती है। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से यही संकेत माने जा रहे हैं। राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट भी हरी झंडी मिलने के बाद इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते लगे लॉकडाउन के बाद से इस वक्त तक भारत में किसी भी देश के लिए पैसेंजर इंटरनेशनल उड़ानें बंद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। यात्रियों को बड़ी राहत, इस दिन तक बुक ट्रेन टिकट का पूरा पैसा लौटाएगा रेलवे। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने 14 अप्रैल 2020 को या उससे पहले बुक की गई सभी नियमित रेल टिकटों को फुल रिफंड करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 14 अप्रैल 2020 को 120 अग्रिम दिनों के लिए ट्रेन टिकट बुक किया है, तो अब ट्रेन टिकट रद्द कर दी गई है। इसीलिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC द्वारा आपको पूरा रिफंड मिलेगा। ऐसे मामले में नेशनल ट्रांसपोर्टर ट्रेनों को रद्द करते हैं। वहीं आपको बता दें कि IRCTC ने हमेशा यात्रियों को अपने टिकट रद्द न करने की सलाह दी है।
IRCTC के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा सिस्टम में ट्रेन को रद्द करने के बाद ऑटोमेटिक फुल रिफंड शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हरियाणा में नहीं होगा फाइनल ईयर की एग्जाम, अंतरिम अंकों के आधार पर होगा चयन। जी दोस्तों, कोरोना संकट के चलते तबाह हुए शैक्षणिक सत्र और बिगड़ते हालात के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर व इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित न करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसमें उनके पिछली परीक्षा के प्राप्त अंकों का 50% वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50% अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। हालांकि कोविड-19 के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर विद्यार्थी खुद परीक्षा में शामिल होकर ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 73% लोगों ने माना मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा में नहीं आएगी कोई आंच। जी दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे केंद्र सरकार पर भले ही लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन 73% देशवासियों को अब भी पीएम मोदी पर अधिक भरोसा है। सी वोटर के हालिया सर्वे के मुताबिक महज 14.4% लोगों ने ही राहुल गांधी पर थोड़ा भरोसा जताया है। सर्वे के मुताबिक 73.6% भारतीय मानते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार ही चीन के साथ जारी विवाद का निपटारा करने में सक्षम है। वहीं महज 16.7% लोगों ने इस विवाद पर विपक्ष के रुख का समर्थन किया है, जबकि 9.6% लोग मानते हैं कि न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन से निपटान में सक्षम है। चीन के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई या नहीं, इसके जवाब में 60% लोगों ने माना है कि चीन को माकूल जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों, आपकी विचार से कौन सा नेता बेस्ट है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, कोविड-19 से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। इसकी आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। आपको बता दें कि 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर AS भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में भारत के कड़े रुख को देखकर चीन ने डोकलाम में तेज की हरकत। जी दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC पर भारत के अडिग रूप से बौखलाया चीन डोकलाम में फिर चालबाजी पर उतर आया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान और भारत के सिक्किम में लगी सीमा पर 2017 की तरह हरकत शुरू कर दी है। सरकारी रणनीतिकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटने की सहमति के बावजूद चीन भारत का सरदर्द कम नहीं होने दे रहा है। ऐसे में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर डोकलाम की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन भारत के साथ मौजूदा विवाद में नेपाल की तरह भूटान को भी घसीटने की फिराक में है। दरअसल चीन ने 2017 में भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन पर संवेदनशील डोकलाम में घुसकर 73 दिन तक तनाव बनाए रखा था। इस दौरान भारत भूटान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने से भूटान के पक्ष में डटा रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम, नहीं जाने तो होगा भारी नुकसान। जी दोस्तों, 1 जुलाई से बैंकिंग रूल्स बदलने वाले हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से ATM से कैश निकालने का नियम बदलने जा रहा है, तो वहीं लोन मोरेटोरियम, बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा हटाने जैसे चीजें शामिल है। अब 30 जून के बाद से बैंक ये सभी रूल्स बदलने वाले हैं। ऐसे में ये जान लेना आपके लिए जरूरी है कि क्या क्या चीजें बदल रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। नंबर 1, PNB घटा रहा है सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक PNB ने बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50% की कटौती की है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। जुलाई से बदल जाएगा ATM से कैश निकालने का नियम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना के कारण 1 जुलाई से ATM से कैश निकालने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। ATM कैश विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने ATM से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। वहीं सरकार ने 3 महीनों के लिए ATM ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है। नंबर 3, औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की मियाद खत्म। जी दोस्तों, कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था।
ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर लोगों को किसी भी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था। लेकिन अब 30 जून के बाद इस फैसले की मियाद खत्म होने जा रही है और इसका सीधा असर आप पर होने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।